आज सुबह में सर मौजूद है सुशांत सिंह राजपूत और भूमि पेडनेकर, और बात होगी सोन चिड़िया की। स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सो थैंक मच। यू। कानपुर में मिल रहे हैं हम लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है, लड्डू बहुत सारे खाए। टग्गू के लड्डू। वैसे यहाँ पे कई चीज़ें बहुत मशहूर हैं जी, जैसे कि बिरयानी। ओह रियली? लखनऊ की बिरयानी फेमस थी, आई डोंट नो कानपुर की भी। लखनऊ की तो मेरे ख्याल से तो आप पराठे ज्यादा मशहूर हैं। अच्छा हुआ आपने पहले नहीं बताया, क्योंकि मैं कल रात से 11 लड्डू खा चुका हूँ। बिरयानी भी खा लेता तो फिर पता नहीं क्या होता। 11 लड्डू, इमेजिन। वो भी अलग अलग वेरिएशन के। खैर, हाँ, सोन लड्डू मिला, ऐसे सोन चिड़िया। क्या होता है मुझे भी चाहिए सोन लड्डू। मैं कल था यहाँ पे, PSIT में था, और बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पे। जो क्राउड देखा मैंने स्टूडेंट्स को, वो इंटरेक्शन कैसे, वो एक्सपीरियंस कैसा था आप लोगों का? क्योंकि आप लोग वैसे ही बहुत प्रमोशन करने जाते हैं, बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वो कल का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अलग अलग तरीके से, बड़ा अच्छा था और नया था। क्योंकि एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जब भी मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता है। और लेकिन अपना याद आने लगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब फिर याद आता है वहाँ पे आके कि यार यहाँ पे तो मैं कोई एग्जाम देने नहीं आऊँ। अब मैं फिल्म करता हूँ तो फिर मुझे अच्छा लगने लगता है। और फिर बच्चे काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे, और बड़ा मज़ा आ रहा था, क्वेश्चन अच्छे पूछ रहे। हाई एनर्जी था, बहुत प्यार मिला हमें, और बहुत ओवरवेलमिंग होता है जब आप देखते हैं इतने सारे लोग आपको इतना चाहते हैं, आपकी फिल्म को इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत मज़ा आया एक्चुअली। हम एक चीज़ नोट कर रहे थे भूमि जी, पहले क्राउड जो था बहुत सुकून से था, जैसे आप स्टेज पे आए, आपने जैसे ही थोड़ा सा डांस किया, आपने पूरा क्राउड पुल कर लिया। आई थिंक अगेन यू नो, हिंदी फिल्मों में डांस और हमारे गाने बहुत ही इम्पैक्टफुल होते हैं। इनफैक्ट सदियों सदियों तक हमारे गाने लोगों को याद रहते हैं। सो आई थिंक आई हैव ऑल्सो बिन लकी कि मेरे पास कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो लोगों को, जो लोग बहुत चाहते हैं। सुशांत के पास भी अल्लाह नाना नाना मुझे लगता है कहीं रोक ना ले एक साल के लिए। इतना अमेजिंग लगता है कि छह एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लेता, एक सेमेस्टर। सो आई कैन ओनली इमेजिन कितने प्राइड होंगे इसके घर पे सब, किया तो एक सेमेस्टर और नहीं कर सकता। मैंने उनको बोला कि देखो एक सेमेस्टर में नहीं होगा, मतलब 2-3 साल लगेंगे कंप्लीट करने में, क्योंकि बैक पेपर्स भी थे ना पहले के। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ऐसे ही बोल रहा है। मैंने जो सुनी है उड़ती उड़ती अफवाह है कि सुशांत वाज लिटरली लाइक वन ऑफ द टॉपर्स इन हिज इंस्टीट्यूशन। ओह इट्स अपॉन अ टाइम, एक बार मतलब ऑफ कोर्स। लेकिन उसके बाद वैसा थोड़ी रहता है, मतलब फिर मुझे हीरो बनने का शौक हुआ। तो फिर हाँ, उसके बाद कहानी इतनी अच्छी नहीं। अपनी कहानी के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक चीज हम पूछ लेंगे, जो हीरो बनने का जब ख्याल आया जी, तो किसी ने पुश किया था? नहीं, हीरो बनने का ख्याल तो कभी नहीं, अभी भी नहीं। अभी तो मैं ढंग से नहीं जानता कि मैं हूँ कि नहीं। मैं रोज पूछता हूँ अपने घर वाले से कि मैं हूँ कि नहीं। मुझे मुझे स्टेज पे परफॉर्मेंस का शौक था। अच्छा। क्योंकि मैं इतना शाय और इंट्रोवर्ट हूँ, था, जो भी है, था तो जरूरी कि मुझे जब भी स्टेज पे डालते थे, मुझे लगता था कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ, वो जो क्या कहते हैं उसको, झिझक, झिझक जो होती है वो दूर करने के लिए मैं बार बार स्टेज पे जाना चाहता था। तो जब स्टेज पे जाओ तो या तो आपके पास थिएटर के लाइंस हो, या तो आपने कुछ ऐसे तैयार कर रखा हो। ऐसे तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, तो फिर मैंने बोला कि चलो सबसे पहले डांस ट्राई करते, उसमें कुछ नहीं बोलना पड़ता। लेकिन यू कम्युनिकेट, आप सबसे कम्युनिकेट करते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। तो फिर मैं डांस सीखा, मैंने डांस सीखा। डांस में जब कुछ अच्छा चल रहा था तो जो मुझे सिखा रहे थे मेरे गुरु शामक, उन्होंने कहा कि यार तुम थिएटर करो, कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा यही मैं भी चाहता था, तो फिर थिएटर गया और उसके बाद समा बन गया। समा बन तो वो यही है, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। कभी स्टेज पे, थिएटर पे, कभी कैमरा जो टीवी पे आता है, कभी कैमरा जो फिल्म पे आता है, मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन जो शुरू किया था जो शुरू किया उसी। भूमि कल कुछ याद है आपको अपने कॉलेज डेज वाला कुछ? जी, मेरे कॉलेज डेज बॉम्बे में ना, कॉलेज लाइफ बहुत अलग होती है।
यू नो वहाँ पे ऐसे बड़े कैंपस नहीं होते, और स्पेशली जो आपके जूनियर और सीनियर कॉलेज ईयर्स होते हैं उसमें आप इतना कुछ पढ़ाई लिखाई तो नहीं करते हो. बॉम्बे में द एजुकेशन इज़ वेरी डिफरेंट. बट हाँ, ये ज़रूर लगता है कि जब व्हेनेवर यू गो बैक टू स्कूल, जब भी आप किसी भी प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो लगता है कि यार वेर आर दोज डेज, लाइक यू स्टार्ट मिसिंग योर फ्रेंड्स. आपका मन करता है सडनली स्कूल और कॉलेज की वैल्यू ना बहुत बढ़ जाती है कि एक टाइम था जब हम यू नो साल में 2 महीने पढ़ाई करते थे, 9 महीने कुछ नहीं करते थे. कॉलेज का सबसे बेहतरीन चीज होती है कैंटीन, अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं. सुशांत रिबेल कौन था, आपके घर वाले थे या आप थे? क्योंकि जब आपने छोड़ा तो जाहिर घर वालों को नहीं पता था, उन्हें पता ही नहीं, ये भी नहीं पता था कि 2-3 साल से मैं सीख रहा हूँ. अच्छा. हाँ, तो फिर जब उनको पता चला कि 3 साल से ये सब भी कर रहा, तो उनको ऐसे ही सदमे में थे. तो फिर मैं छोड़ के आ गया, फिर एक और सदमा वो ले नहीं पाए, तो वो तो मुझे लगा कि हाँ बोल रहे, तो मैं आ गया. नहीं, मैं सीरियस हूँ. जब उन्होंने देखा कि 2-3 साल से हमें बिना बताए हुए ऐसा कुछ कर सकता है जो ये समझता है कि ये नहीं कर सकता, तो फिर इसको फिर बढ़ावा देना चाहिए. तो उन्होंने कभी भी मुझे नहीं बोला कि तुम वो नहीं कर सकते जो करना चाहते हो, और उस चीज़ के लिए मैं उनको हमेशा थैंक्स बोलना चाहूँगा. आपके घर वालों में नाराज तो हुए होंगे? मतलब नॉट रियली. आई मीन कोई मतलब पता है फिल्मों की जो छवि है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी ओवर द इयर्स कि जो थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे मना किया था वो यही था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे. बट कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहेगा. बट हाँ, थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई थी घर पे, बट बाय द एंड ऑफ इट मैं बहुत ही सपोर्टिव फैमिली से आती हूँ. हमें कभी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं की गई है. हमेशा जो भी हमारे टैलेंट है, मैं ऐसा भी नहीं था कि अगर मैं किसी पेपर में ख़राब मार्क्स लाई तो कोई भूचाल आ जाता था घर पे. यू नो हाँ, क्रिएटिवली भी हमें बहुत पुश किया जाता था स्पोर्ट्स के लिए. हर एस्पेक्ट में बहुत ही ओवरऑल अपब्रिंगिंग रही है हमारी. दैट वाज लकी दैट वे. अब उन्हें इतने अच्छे लग रहे माशाल्लाह, और फिल्म के जो प्रोमोज देखते हैं वो एंटायरली डिफरेंट, जस्ट अपोजिट. वो जो एक्सपीरियंस था वो धूल वगैरह में जाना, उस धूल मिट्टी को अपने अंदर खाना, वो कैसा था? खाया था लिटरली सर, बहुत मज़ेदार था ऑनेस्टली. जो भी एक्सपीरियंस हमें हुआ, जो भी लोगों को लगे रुकावटें थी या दिक्कतें थी, उन सब चीज़ों ने हमारे किरदार में बहुत वैल्यू एडिशन किया है. अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में शूट नहीं कर रहे होते तो शायद ये फिल्म का टेक्सचर सेम नहीं होता, शायद हमारी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं होती. तो ये ऑनेस्टली हमारे लिए दिक्कतें नहीं थी. बहुत ही प्यार और मज़े से हमने सब शूट किया. हाँ, गर्मी लगती थी, धूप छाले पड़ जाते थे, पर आप यू गेट यूज्ड टू इट. यू गेट यूज्ड टू. बहुत प्यार था और बहुत पैशन और एनर्जी थी इस सेट पे कि यार बहुत अच्छा काम करना है, अच्छा ही काम करना है, ऑप्शन ही नहीं है कोई. एक तो अभिषेक चौबे की फिल्म है, मेरे लिए ये था कि सुशांत, मनोज सर, आशुतोष, रणवीर, इनका बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं. मतलब ये देखें कितना अपने आप को अंडर देगा यार. मेरे का सुशांत बोलेगा ना एक साथ में जो काम करना में, भाई उन्होंने बहुत कमाल की बात करी है कि जितनी भी ज़्यादा देखा जाए फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उतना वो क्राइसिस और जोड़ता है लोगों को. तो अगर भूमि को प्यास लग रही है और मनोज सर ने पानी दे दिया तो और अच्छा लगता है, या मैंने किसी कुछ कर दिया. तो ये सारी चीज़ें एज एन एज एक्टर्स एंड इन अ टीम बहुत वैल्यू ऐड करती है जब हम एक्ट कर रहे होते हैं. क्योंकि एक एक्टर को, मुझे लगता है कि को एक्टर पे बहुत भरोसा होना चाहिए कि अगर वो कुछ स्पॉन्टेनियसली कुछ करेगा तो दूसरा रिएक्ट करेगा, नहीं तो फिर झिझक होती है. फिर तो जिस तरीके से मनोज सर ने सबका ख्याल रखा, कभी खाना बनाते थे सबके लिए. अच्छा. हम लोग तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते थे साइंस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें थी. अभी इतना बोलने लगे तो फिर एक दिन निकल जाएगा. तो मैं बस बोलूँगा कि ये सारी चीज़ों से बहुत फ़ायदा ये होता है कि हम लोग एक इंसान को एक दूसरे को समझ में आते हैं और म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं और भरोसा हो जाता है, वो जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फिल्म के लिए. मनोज वाजपेयी जो क्या बहुत अच्छा बनाते थे जी, कैरेक्टर जी, उन्होंने बहुत कुछ बनाया. और देखिए जब प्यार से बनाते हैं ना तो सिर्फ दिमाग में नहीं लगता कि अच्छा आपने प्यार से बनाया तो अच्छा ही है, प्यार से सच में अच्छा होता है. तो वो जब पूरे सेट के लिए बना रहे हैं और इतना छोड़िए क्या क्या बनाते थे. अच्छा सुशांत, एक चीज पूछना चाहेंगे, जब स्क्रिप्ट आपने पढ़ी उसमें कैरेक्टर में जब डूबे आप लोग, तो आपको क्या लगा कि ये जो बागी होते हैं
ये बेसिकली क्यों हो जाते हैं, क्या वजह होती है इनकी? मुझे लगता है सभी होते हैं एक तरीके से, और बात ये नहीं है कि फिल्म पंक्चुएट कर रही है कि अच्छा ये रीज़न था जिसकी वजह से बागी थे। हम लोग एक इवेंट स्पेसिफिक फिल्म नहीं है, हम लोग डायनेमिक स्पेसिफिक फिल्म है। मतलब हम बोल रहे हैं कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट विचारधारा एक सोसाइटी में हमेशा रहेगी और रहनी भी चाहिए, और अगर इसको प्रोत्साहन मिला जाए कि अलग अलग हों तो ये सोसाइटी का ही फायदा होता है। लेकिन जब तक सोसाइटी ये जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी तरीके से नहीं मिलता और एक बहुत ग्रुप के लोग सोचते हैं कि नहीं ये हम नहीं मानते हैं, तो देव और रिबेलियन और एक टीम में आते हैं। जब 1970s की हम बात कर रहे थे तो उसमें भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट थे। अगर आप देखेंगे तो सारे कैरेक्टर्स की एक मेजर प्रॉब्लम तो है, सबकी एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, और ये फिर भी साथ में आप अगर वो जो खाकी पहनते हैं, दैट इज टू स्टेट कि हम लोग एक विचारधारा की यूनिफॉर्मिटी है। जैसे हम लोग भी अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में देखें, पुलिस में देखें, आर्मी में देखें, तो वर्दी दी जाती है इसी चीज़ के लिए कि दिस इज वॉट वी स्टैंड फॉर, दे स्टूड फॉर वट एवर वी वर स्टैंडिंग फॉर एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो अगर आप इस फिल्म से ये देखेंगे 1970s में और चंबल में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो आप देखेंगे इस फिल्म में, वो आज भी कहीं ना कहीं होती हैं। वैसे कैरेक्टर्स यहाँ भी हैं, वो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बॉम्बे में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा और बहुत कुछ बदल भी गया। सो ये पैराडॉक्स जो है या वो बहुत अच्छे से एक फिक्शनल स्टोरी में दिखाया। ये ऐसा कोई बायोपिक नहीं है कि उसकी कहानी है, उसकी कहानी एक फिक्शनल स्टोरी। और यही कमाल की बात है अभिषेक की, कि वो ऐसी डायनेमिज्म पैदा कर सकते हैं फिक्शन में जो कि वही चीज़ को पंक्चुएट करे जो उसी समय नहीं थी, और यूनिकनेस चंबल की बट आज भी है और कहीं भी एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, जो डकैत्स होते थे उनके बारे में जानने सुना पढ़ा, तो उनके बारे में क्या दिमाग और दिल में क्या आया आपके लिए? सिंपैथी थी या ऐसा आपको लगा कि इन्होंने जो कुछ किया सही किया या गलत किया? क्या भूमि आप मुझे लगता है डॉक्टर को कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार मरीज को दर्द हो रहा है कि नहीं दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। और खास करके डॉक्टर जब प्रेजेंट में नहीं सोचता तो पास्ट में क्या सोचेंगे। अगर एज ह्यूमन बींग्स वी गेट बायस्ड बाय प्रो और अगेंस्ट द कैरेक्टर्स, आई थिंक बहुत मुश्किल होगा हमें कुछ भी एक्ट करने के लिए। हम जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हमें इंटुइटिवली पता चल जाता है कि हाँ ये कहानी बहुत रेलिवेंट है यार, इसमें बहुत कुछ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं बैठ के सोचूं और देर तक सोचूं, इसलिए मैं फिल्म भी करता हूँ। जब मुझे कैरेक्टर मिलता है, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और बहुत सारी चीज़ें शायद मुझे लगता है कि मैं फील करना चाहता हूँ, टू नो व्हाई ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग, इसीलिए मैं करता भी हूँ। तो मुझे लगता है कि कहानी पढ़ के हम लोग इतने समझदार हैं कि मैं समझ में आ जाता है कि दिस इज़ रेलिवेंट, दिस इज़ एंटरटेनिंग। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम बायस तरीके से जज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो रियल कैरेक्टर से इंस्पायर तो रहते हैं। जैसे आपको सर देखिए, वो तो हर किरदार फिल्मों में किसी ना किसी रियल इंसिडेंट या किसी ना किसी रियल कैरेक्टर से ही इंस्पायर्ड होता है। लेकिन ये एक फिक्शनल कहानी है, ठीक है। जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं एज एन एक्टर, आप कभी अपने कैरेक्टर को जज नहीं करते, ठीक है, वरना आप कभी वो किरदार प्ले ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप डकॉइट्स की पूछे या समाज में कोई भी जितने भी लोग हैं जो एक ऐसे हिस्से को बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनके ऊपर जहाँ पे उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो या किसी भी चीज़ की कठिनाइयाँ हो, अगर आप औरतों का स्टेटस देख ले समाज में, तो मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ आती है कि आपका हार्ट लाइक यू नो यू गेट हार्ट ब्रोकन। तो एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस इन द सोसाइटी इज़ नॉट ओके। जिस तरीके से हम जानते हैं और बागी जो हम बता रहे हैं, ये बागी वर्ब है, डकॉयट्स नाउन है। हम लोग रिबेलियन बोल रहे हैं कि कोई भी चीज है अपोज की जा सकती है अगर आपको सही नहीं लगे। हम लेकिन नाउन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये अगर हर चीज का मसला बंदूक है अगर उठा ली तो आपने कैसे हो सकता है सर? मैं पूछ रहा हूँ, नेवर। हर चीज का मसला अगर बंदूक होती तो अब तक हम कहाँ पहुँचे होते। तो जो उन्होंने बंदूकें उठाई, वो जो कैरेक्टर्स आप लोग थे उस टाइम पे, उन सिचुएशंस में बंदूक उठाना जरूरी होता है। आपके क्वेश्चन का आंसर ये बोल सकते हैं, जिस हर चीज़ का मसला बंदूक नहीं है, किसी किसी चीज़ का अगर आंसर बंदूक भी हो, और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग ने बना रखा है कि हाँ इस समय पे हम यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल सही है, अच्छे से यूज़ करिएगा। उसके बाद जैसे आर्मी है, आर्मी के पास है। हम उस एक चीज़ देख रहे हैं 70s पे बेस है फिल्म, और फिल्म के अंदर असॉल्ट राइफल्स वगैरह दिख रही हैं। उस टाइम पे असॉल्ट राइफल्स होती नहीं थी,
ये सारे बहुत ऐसा पिक्चर तो देखे हैं ऑलरेडी, उसमें नुक्स निकालने लग गए हैं कि असॉल्ट राइफल देखी है आपने, मतलब मुश्किल से 5 मिनट का कंटेंट देखा होगा। राइफल हमेशा असॉल्ट ही होती है ना, आप ये डायरेक्टर से ये मतलब उस टाइम पे जैसे डकैस जो उस टाइम पे रिबल से उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने बोला उस टाइम पे मेरे पास आ चुकी थी, देखिए 47 वगैरह उस टाइम पे मेरे पास थी, मैं वो यहां भी है हमारे पास भी नहीं थी, वही 70s में आ चुकी थी हम लोगों के पास, आर्मी पास नहीं थी उस टाइम पे। आपको ये सब चीजें बोल दे तो आप फिल्म में एंजॉय क्या करेंगे, मतलब नहीं फिर। हाँ, लेकिन ये चीज जो आप जो स्पेसिफिसिटी के बारे में बोल रहे, हम लोग किसी भी स्पेसिफिक चीज को अलग नहीं किया हमने, 1970s में जो होता था वहाँ होता था वैसे ही है। एंड आई प्रोमिस यू सुदीप एंड अभिषेक सर ने इतनी इन डेप्थ रिसर्च करी है जगह के बारे में, उन्होंने करीब 2.5-3 साल सुदीप ने चंबल उसके टेरेन वहाँ की जिंदगियों वहाँ के लोगों के बारे में की है, तो मैं ये जानती हूँ कि जो भी फिल्म में दिखाया है बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्लेस से आया है। बस हमने कैमरा आज का यूज़ किया, आज का यूज़ किया। सुजान एक चीज़ पूछेंगे, जब रियल बागियों से जब सामना हुआ तो वो उन लोग के क्या तस्वुरा थे, आपके क्या थे फीलिंग्स क्या थे? अभी जैसे कल भी मुलाकात होने की, तो उन लोग से मिलने के बाद कुछ एक डिस्टेंस थोड़ा महसूस हो रहा था कि यार ये लोग रियल रह चुके हैं, डिस्टेंस पे तो बिठाए हुए महसूस करने वाली बात है, जब स्पेस होता है तो स्पेस होता है, लेकिन हाँ जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑनेस्टी से एक दूसरे से बात करना चाहिए और बात नहीं घुमाना चाहिए, वैसे हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए, हमें पूरा यकीन है सुशांत की फिल्म जो है सॉन्ग जो है लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आपके डायलॉग्स आपके प्रोमोज वगैरह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लोगों का इंतजार भी है, और हमसे बात करने आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे चाय तो आई नहीं है। हाँ, मेरी सिस्टर मेरी नीज है। हाँ गाइस।